शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17 शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदमीप में डेरा डाले और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 वित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के उस इप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशय था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशय के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम अलियाब, दूसरे का अबिनादाब और तीसरे का शम्मा था और सबसे छोटा दाऊद था और 3 बड़े पुत्र दाऊद के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था और ईशय ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर के ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आ। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे और दाऊद सुबह को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को ले लेकर चला गया और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इसराइलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गुलियात नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर
इसराइली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इसराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई अलियाब सुन रहा था, और अलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहली की नाई उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला, और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा वह उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इसराइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा
और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मार दिया कि उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इसराइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इसराइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिया। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपनी सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिया हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उसे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहेमी ईशे का पुत्र हूं।